मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस चैनल के माध्यम से मेरा टॉपिक है, आप अच्छा वकील अपने प्रकरण में कैसे चुने। जैसा कि मित्रों आप जानते हो कि किसी भी मामले को करने के लिए यदि आप स्वयं कोई मामला न्यायालय में लगाना चाहते हैं तो एक अच्छे वकील की आवश्यकता होती है, या किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई मामला लगा दिया है तो भी आपको एक अच्छे अधिवक्ता की जरूरत होती है। इसके लिए दो तीन मेथड हैं। जैसे यदि पुलिस प्रकरण है तो शासन की ओर से फरियादी के रूप में यदि आप हैं तो आपको कोर्ट साहब या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आपकी ओर से पैरवी करेंगे वो नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो कोर्ट की परमिशन से अपना स्वयं का एक अधिवक्ता, अच्छा जो उस विषय में जानकारी रखता हो, वो आप अपनी ओर से फरियादी पक्ष की ओर से असिस्ट करने के लिए एपीपी आदि को लगा सकते हैं। दूसरा होता है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुलिस के लोग आपको सुझाव देते हैं कि आप फलाने वकील को कर लीजिए, उनके संपर्क में दो चार पांच अधिवक्ता कोई हो सकते हैं, और जहाँ तक हो किसी के ऐसे कहने में आप किसी अधिवक्ता को न लगाएं, क्योंकि कई बार किसी आर्थिक लालच के कारण भी पुलिस वाले किसी भी अधिवक्ता को आपको लगाने के लिए कह सकते हैं। दूसरा है मध्यस्थ के रूप में, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कोई भी अधिवक्ता बताया और आपने उस अधिवक्ता को उसके कहने से लगा लिया, और तीसरा आप स्वयं किसी भी अधिवक्ता को जानकर या किसी की जानकारी होने पर आपको यदि बतलाया जाता है तो उसे आप लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप उस फील्ड, जो भी आपकी दीवानी कोई मामला है, फौजदारी मामला है, रेवेन्यू मामला है, टैक्सेशन का मामला है, लेबर का मामला है, राजस्व का मामला है, किसी भी तरह का कोई भी मामला है, तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि कौन कौन अधिवक्ता इस फील्ड में प्रतिदिन जाते हैं तथा अच्छे से अपने केसेस को लेकर कंडक्ट करते हैं, और इनके द्वारा इनकी छवि अच्छी है और कई प्रकरणों को विन अर्थात जीता भी गया है। तो ऐसी एक लिस्ट तैयार करके तीन चार पांच अधिवक्ता की आप स्वयं उन अधिवक्ता के पास जा सकते हैं, अपने मामले के पूरे फैक्ट्स उन अधिवक्ता को बताएं, उनसे डिस्कस करें और पूछें कि क्या आप मेरे प्रकरण में इसमें पैरवी करना चाहते हैं और आपकी क्या फीस होगी। यदि आपके और आपके अधिवक्ता के मध्य हुई बातचीत से आप संतुष्ट हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके अधिवक्ता ने जिनके पास आप राय लेने गए हैं बहुत अच्छी तरह आपकी सारे बातों तथ्यों को सुना है और कानूनी सुझाव भी जो उन्होंने दिए हैं वो आपके मन मुताबिक तथा ऐसा आपको लगता है कि ये मेरे प्रकरण को अच्छे से करेंगे, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट करके किसी भी एक अधिवक्ता को, उन तीनों चारों पांचों अधिवक्ताओं के पास आप जाइए और उनसे फीस वगैरह तय करके अपने इस प्रकरण को दे सकते हैं। फिर सेकंड जिम्मेवारी आपकी ये आती है कि उस प्रकरण में यदि आप स्वयं वादी हैं या फरियादी हैं या जो भी हैं, तो आपको हर पेशी पर अधिवक्ता के पास दो तीन दिन पहले जाकर अपने प्रकरण की जानकारी और उनको तारीख का ध्यान दिलाना आवश्यक है, और पेशी पर आप स्वयं भी उपस्थित हों जिससे आपके अधिवक्ता उस प्रकरण में रुचि लेकर आपकी ओर से पैरवी करें, और किसी कारण से गलती से आप जो भी अधिवक्ता कर रहे हैं आप उनसे संतुष्ट नहीं हो और आपके अधिवक्ता को बदलना चाहते हैं अपने अधिवक्ता को और दूसरे अधिवक्ता को रखना चाहते हैं, तो उनसे अपने अधिवक्ता से निवेदन करें, उनकी फीस आदि पूरी दे दें कि साहब मैं एक दूसरे अधिवक्ता को और रखना चाहता हूं और आपसे अपना प्रकरण वापस लेना चाहता हूं। तो इसके लिए नए अधिवक्ता को जिन्हें आप कर रहे हैं उनको एक वकालतनामा देना होगा तथा उस वकालतनामे पर पुराने जो आपके अधिवक्ता हैं उनसे अनापत्ति प्रमाण अर्थात NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। उनकी फीस आदि का पहले अधिवक्ता का आप पूर्ण भुगतान कर दें और उनसे राजी खुशी में अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें और उस फाइल को भी चाहें तो ले सकते हैं जो उनके पास बनी हुई है। तो इस प्रकार आप दूसरे अधिवक्ता को लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर चीज का ज्ञान आपको नहीं होता है और ना हो सकता है, फिर भी आप बेसिक जानकारी कानून के संबंध में यह जो भी रखते हैं तो उसके आधार पर आप एक अच्छे अधिवक्ता का चुनाव करें जिससे उस प्रकरण में जो भी आप फरियादी हैं, वादी हैं, या अगर प्रतिवादी के रूप में हैं तो कोई ने आपके ऊपर कोई मामला लगाया है, तो एक अच्छे अधिवक्ता का चुनाव करें और आप अपने प्रकरण में पूर्ण रुचि लें। आपके जो भी अधिवक्ता हैं उनसे अच्छा व्यवहार रखें, उनकी फीस आदि समय पर दें जो भी आपकी तय हुई है,
तो एक सफल अधिवक्ता आप जो आपके प्रकरण में लगे हैं वो आपके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर उस मामले को यथासंभव पूरी प्रक्रिया जो भी मेरिट्स में होती है करके आपके मामले को जिता सकते हैं और आपको उस मामले में विजयी बना सकते हैं। मित्रों, मेरा ये सुझाव है कि मैं इस चैनल के माध्यम से छोटे छोटे कानूनी टॉपिकों को आपको बताता जा रहा हूँ और मेरे इस चैनल की दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें तथा अपने यार दोस्तों आदि को भी लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।